और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही उमरिया से, यहां घर में शौचालय नहीं होने से नामांकन रद्द हो चुका है। पाली नगरी निकाय में वार्ड नंबर 7 के प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त हो चुका है। निर्वाचन अधिकारी ने फॉर्म का निरस्त करने का फैसला सुनाया और इस पूरे मामले में घर में शौचालय नहीं होने पर आपत्ति दर्ज हुई थी। आम आदमी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार आशा प्रजापति का फॉर्म निरस्त हो चुका है। चलेंगे उमरिया, बात करेंगे स्वर्गीय संजय विश्वकर्मा से। संजय, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? फॉर्म निरस्त हो गया, घर में शौचालय ना होने के कारण क्या कुछ आरोप लगे इस मामले में? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा एक अनूठा मामला उमरिया में सामने आया है। उमरिया की पाली नगरी निकाय में चुनाव होने को है और नामांकन दाखिल कर दिए गए थे। नामांकनों में स्क्रूटनी चल रही थी और उसमें भाजपा के एक मीडिया प्रभारी हैं राजकुमार गौतम, उनकी तरफ से एक आपत्ति दर्ज की गई कि आम आदमी पार्टी के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वार्ड क्रमांक 7 से अपना फॉर्म भरा हुआ है उनके घर में शौचालय नहीं है। इस बात को लेकर के एसडीएम नेहा सोनी ने कल देर रात को निर्णय भी दिया और शौचालय ना होने के कारण उनके फॉर्म को निरस्त कर दिया गया है। ये पहला मामला है शौचालय को लेकर के, लोग शपथ अक्सर जमा करते हैं कि घर में शौचालय है, लेकिन झूठी जानकारी आम आदमी पार्टी के अभ्यर्थी के द्वारा दी गई थी। इस मामले में फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। विश्वकर्मा खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।